हाँ सर नमस्ते। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाँ क्या हाल? बढ़िया बढ़िया सर, शानदार। आपके? चलो बढ़िया, बस बढ़िया, एकदम शानदार। हम लोग भी कल यहीं से हैं तेलंगाना में, हाँ है ना, और यहाँ की जो है सारी चीजें बहुत अच्छी हो रही है। मतलब एक बात बताऊँ मैं आपको सर, हाँ जितनी भी आपने अभी तक जो चीजें सुनी ना, उसमें कई सारी चीजें ऐसी है जो की हुई नहीं अभी तक। अच्छा अच्छा बात बात नहीं है, जैसे उसमें आपने पहले न्यूज मिली थी कि यार वो किसी ने एफआईआर कर रखी है, ठीक हाँ है, हाँ 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 और हाँ 30 लाख रुपए का मैटर है। तो एक्चुअल में क्या ऐसा कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना तो ऐसा कोई 30 लाख का मैटर है, ना इस टाइप का कुछ भी नहीं है। मतलब हाँ एक्चुअली यहाँ पे जो एफआईआर जो इन लोगों ने करी है वो पूरा षड्यंत्र रचाया गया है ना। हाँ हाँ और जिस बंदे ने, मतलब जिस बंदे के नाम से एफआईआर कर रखी है, वो बंदा एक्चुअली यहाँ रहता ही नहीं है, अच्छा पिछले अच्छा 12 साल से यहाँ पे नहीं है, ठीक हाँ 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 है। हाँ कल क्या हुआ था कि कल कोर्ट ने जो है एफडीएस से जिन लोगों ने ये जो कंप्लेन करी है उन लोगों को वहां बुलाया था कोर्ट में, ठीक हाँ हाँ है, हाँ लेकिन वो लोग आए ही नहीं, कोर्ट के अंदर अच्छा उपस्थित नहीं हुए। कारण ये कि उन लोगों के पास में कोई एविडेंस नहीं है, ठीक हाँ 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 है। कोर्ट ने उन लोगों से पूछा कि भैया अगर आपके साथ में 420 करी है तो आप एविडेंस दीजिए, प्रूफ दीजिए कि किसके साथ हुई, कौन बंदा है जिसके साथ 420 या ठगी हुई। हाँ हाँ तो हाँ वहां पे ऐसा कोई बंदा था ही नहीं, क्योंकि वो फर्जी रिपोर्ट करी थी उन लोगों ने षड्यंत्र के द्वारा, मतलब। तो हाँ वहां पे कोई बंदा था ही नहीं, क्योंकि वो बंदा 12 साल से ऑलरेडी यहाँ रहता ही नहीं, मुंबई में रहता, जिसके नाम से एफआईआर हुई, हाँ ठीक हाँ है। हाँ तो हाँ ना तो वो बंदा आया, ना एफडीएसए का बंदा आया, कोई भी नहीं आया वहां पे, सबके सब गायब है। अभी यहाँ अच्छा का जो तेलंगाना का जो एफडीएसए का जो ऑफिस है वो भी बंद है पूरी तरह से, हाँ क्योंकि यहाँ पे एक भी आदमी नहीं है अभी अच्छा फिलहाल। अच्छा अच्छा अगर मैं बात करूँ फ्यूचर में करके, जितने भी क्रांतिकारी जो लोग हैं वो सभी के सभी यही है, लगभग 6 से 7 हजार लोग यहाँ पे अभी अवेलेबल है हाँ फिलहाल, हाँ सभी सभी तरह से, और पूरा कंपनी को सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा ये कि यहाँ के लोकल लीडर्स भी काफी अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ हाँ इसके अलावा आज की जो प्रोसीजर हुई है उसमें ये हुआ है कि सीएमडी साहब का ये कहना है कि जमानत की अगर अपन बात करें तो जमानत तो 420 की जो जमानत होती है वो एक दिन में मिलती है। मतलब अगर सीएमडी साहब चाहते हैं तो सेम डे, जिस दिन उनको अरेस्ट किया उसी दिन वो जमानत दे सकते थे, ठीक हाँ है। हाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उनका ये कहना है।